हे एवरीवन, ही लव दीजस 717 चैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि 2024 रेस्ट ऑफ जो भी टाइम बचा हुआ है ये आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। एंड यू नो, जो इस रीडिंग को करने के पहले मुझे एनर्जीज मिली थी आप लोगों के लिए, वो ये कि ये जो टाइम पीरियड है आप सभी के लाइफ में आपका गोल्डन टाइम पीरियड जो है वो साबित हो सकता है। आपको बस जो है वो कुछ एक्शंस लेने की जरूरत है, कुछ मॉडिफिकेशंस करने की जरूरत है, कुछ कुछ चीजें बदलने की जरूरत है, अपने आप में थोड़े बहुत चेंजेस करने की जरूरत है। तो यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि क्या कुछ चीजें रहने वाली हैं और कैसे यू नो आपकी लाइफ में जो भी रिजल्ट्स हैं आप उनको अपने फेवर में ले सकते हो, अपना बेस्ट दे सकते हो, उस टाइम पीरियड को अपना गोल्डन टाइम पीरियड ऑफ योर लाइफ बना सकते हो। सो यहाँ पे दो ऑप्शन है एज यूजल आप लोगों के सामने, और इंट्यूटिवली आप लोग को चूज करना है कि आप किस कार्ड से या फिर से क्रिस्टल से कनेक्ट कर पा रहे हैं। सो यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है लाइब्रेरी का कार्ड, एंड साथ में है यहाँ पर ये रोज क्वार्ट्ज का स्टोन। ओके, ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पर ये थॉर्न्स का कार्ड, एंड साथ में है यहाँ पर ये लैब्राडोराइट का स्टोन। ओके, सो आप आराम से चूज कर लीजिए जो भी कार्ड या फिर से क्रिस्टल आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये लाइब्रेरी का कार्ड चूज किया है या फिर से रोज क्वार्ट्ज का स्टोन, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए रेस्ट ऑफ 2024 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है और कैसे आप इस टाइम पीरियड को अपना गोल्डन टाइम पीरियड बना सकते हो। ओके, सो ये कार्ड को एंड ये स्टोन को यहाँ पर से साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, इस कार्ड के साथ मुझे आप लोगों के लिए जो पहला मैसेज मिल रहा है ऑप्शन फर्स्ट, सेल्फ लव की जरूरत है। आप लोग ना अपने आप से प्यार नहीं करते, कहने को आप लोग करते होंगे बट यू नो अपनी रिस्पेक्ट करना, अपनी वैल्यू करना, कहीं ना कहीं कुछ कमी आ रही है। ऑप्शन फर्स्ट, आप यू नो आप अपने बारे में किस तरीके से सोचते हो इस चीज पे थोड़ा सा गौर फरमाओ, ठीक है। आप अपने आप को किस तरीके से देखते हो, आपकी नजर में आप कैसे इंसान हो, दुनिया की नजर के बारे में सोचना छोड़ दो, दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है सोचना छोड़ दो, आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो, आप अपनी केयर कैसे कर रहे हो, आप अपना ध्यान कैसे रख रहे हो, आपका रूटीन क्या है, आपके पूरे दिन का यू नो आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हो, राइट। इन चीजों पे आपको थोड़ा सा यू नो अपना जो फोकस है वो ले जाने की जरूरत है, बिकॉज आप माइन्यूट माइन्यूट मिस्टेक कर रहे हो, अच्छी डाइट नहीं ले रहे, ठीक है ना, अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रख रहे, अपनी केयर नहीं कर रहे। तो यस, मुझे यहाँ पर इस तरीके से कुछ एनर्जीज आप लोगों के लिए फील हो रही हैं। अभी देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट कैसे रहने वाला है रेस्ट ऑफ 2024 आप लोगों के लिए। मन ही मन डिवाइन से प्रेयर करिएगा कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। ओके, तो ऑप्शन फर्स्ट, टेन ऑफ सॉर्ड्स। अपनी केयर करें कैसे, मन तो इतना परेशान है, मन तो इतना दुखी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं ऑप्शन फर्स्ट जो कि हाल फिलहाल किसी तरीके की एंडिंग से गुजर रहे हैं, लाइफ में कुछ शॉकिंग चेंजेस हुए हैं, कुछ चीजें ऐसी हुई जो कि आपने सोची भी नहीं थी, कुछ सच सामने आए, कुछ रियलिटी सामने आई। फिलहाल की एनर्जीज ऐसी है कि काफी ज्यादा यू नो ब्रोकन सा फील कर रहे हो, टूटा हुआ सा फील कर रहे हो आप लोग, है ना। हालांकि आपको पता है कि अभी नई शुरुआत का वक्त है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, आप लोग कोशिश भी कर रहे हो कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, मूव ऑन कर सके, अपने आप को हील कर सके, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहेंगे प्रिया हो ही नहीं पा रहा है, हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, हम इतना सब कुछ कर रहे हैं लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। सेल्फ लव की कमी है, आप लोगों ने अपना यू नो आप लोगों ने प्यार जो ढूंढा वो कहीं और ढूंढा। ऑप्शन फर्स्ट, कुछ और लोगों में आपने अपनी खुशियों को ढूंढा, इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप हर्ट हुए हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस टूटी हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है अपने आप से प्यार करो, एक्सपेक्टेशंस करनी है अपने आप से करो, और ये रोने का मुरझाने का टूटने का समय नहीं है, ये समय है यू नो एक मजबूती के साथ वापस लौटने का, अपनी पावर में आने का, अपनी स्ट्रेंथ को जानने का और कुछ करके दिखाने का। मुझे यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि कुछ लोगों ने आपसे कुछ ऐसी बातें कही हैं, तुम ऐसे हो, तुम कुछ भी ठीक से नहीं कर सकते, ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, लेकिन उन बातों की वजह से ना आपका खुद पर से एक कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा टूटा है
है ना, आपको जैसे आपकी नजरों में छोटा बना दिया कुछ, आई डोंट नो, बट यस कुछ ऐसी चीजें हुई हैं यहाँ पर आपकी लाइफ में, और आप ऐसे सोच रहे हो कि कोई ऐसे कैसे बदल सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे बहुत सारी चीजें आप लोगों के माइंड में चल रही हैं कहीं ना कहीं. सो अभी रेस्ट ऑफ 2024 की एनर्जी कैसे है कि आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम प्रॉब्लम भी हो रही है, कुछ कुछ परेशानी भी आ रही है, कुछ कुछ नई चीजों में अपना ध्यान भी बटा रहे हो. जैसे कुछ लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चलो कोई योगा क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, और ये बहुत अच्छा भी रहेगा आपके लिए, ठीक है ना. आप योगा क्लासेस ज्वाइन करते हो, आप कुछ कुछ ऐसी चीजें करते हो. सी यहाँ पर ये सारे कार्ड्स जो हैं आपकी लाइफ में एक एंडिंग के बारे में बता रहे हैं, और साथ में नई शुरुआत के बारे में बता रहे हैं. फिलहाल आप जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, ऑप्शन फर्स्ट, बहुत ज्यादा एक डिप्रेस्ड एनर्जीज हैं आप लोगों की, बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में कहीं ना कहीं आ रहे हैं, और लाइफ में क्लैरिटी भी नहीं मिल पा रही कि आगे क्या करना है, किस तरफ जाना चाहिए. बहुत टफ एनर्जी है आपकी लाइफ का, एक ये एक टफ टाइम पीरियड है कहीं ना कहीं, ऑप्शन फर्स्ट. और इस वक्त आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, इस वक्त आपको बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत है, इस वक्त आपको बस ये चाहिए कि कोई एक पर्सन हो, मेरी सारी बातें सुन सके, वो मुझसे मैं उसे अपने दिल का हाल बता सकूं, मैं कैसे फील कर रही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मेरे मन में चल रहा है. आप एक काम कर सकते हो, ऑप्शन फर्स्ट, अगर बहुत कुछ आपके मन में भरा पड़ा है ना, मैंने ये रिलीजिंग का रिचुअल इंस्टाग्राम पे भी शेयर करा था, और वो हाईलाइट में अभी भी है, रिचुअल एंड रेमेडी करके, तो आप लोग चाहो तो उसको देख सकते हो. आप लोग क्या करो ना, एक पेपर लो, और जो भी कुछ आपके मन में आ रहा है, जो भी कुछ आप किसी से कहना चाहते हो, सिंपली उसे लिखो. जब आपको लगे आपने पूरा लिख लिया है, जितना मर्जी आए लिखो, उसके बाद आप उस पेपर को बर्न कर दो और उसको फ्लश कर दो. आपको लिटरली आप इसे करके देखो, आपको बहुत ही लाइट फील होगा, आपको बहुत ही हल्का फील होगा. तो आप इस एक्सरसाइज को करके देखो, और करो तो इस पे वापस से आके अपने रिजल्ट जरूर शेयर करना नीचे कमेंट करके. बाकी आप ये भी कर सकते हो, देखो आप नीचे कमेंट में अपनी बातें शेयर कर सकते हो, ठीक है ना. और यस, मैं सारे कमेंट्स रीड करूंगी, ठीक है ना. और यस, मैं ये बोलूंगी कि आप सभी लोग एक दूसरे को सपोर्ट भी करें, क्योंकि मेन एनर्जीज यहाँ पे तो, जैसे आप एक इंडिविजुअल, एक पर्सन इस एनर्जी से गुजर रहा है, वैसे और भी काफी सारे लोग इस एनर्जी से गुजर रहे हैं. तो यस, एक दूसरे को सपोर्ट करिए, ठीक है ना. मैं यही बोलूंगी, बिकॉज ये एक फैमिली है, राइट. तो चलिए अभी और देखते हैं यहाँ पे कि इस टाइम पीरियड को अपना गोल्डन टाइम पीरियड कैसे बना सकते हो, ठीक है. आपको क्या करने की जरूरत है. ऑप्शन फर्स्ट, एस ऑफ कप्स. ओके, तो यहाँ पर एक कार्ड आया है, जैसे अपना फोकस शिफ्ट करो, अपने, आई डोंट नो, कैंडल की फ्लेम इतनी ज्यादा. सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट कहा जा रहा है, अपना फोकस शिफ्ट करो. मैं बताती हूँ, मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ आपके लिए. फोर ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स. ओके, सो मैं दो कार्ड और भी ले लेती हूँ. ओके, सो मुझे वो कैंडल को ऑफ करना पड़ा. पता नहीं, उसकी फ्लेम इतनी ज्यादा, एकदम टेरेबल फ्लेम हो रही थी, जैसे जैसे सब कुछ जलाना है, जैसे सब कुछ खत्म करना है. आई डोंट नो, ऐसा कभी हुआ नहीं कि, और लिटरली मुझे जलने की वो स्मेल आ रही थी, और ऐसे कभी नहीं हुआ. तो जस्ट मैंने अभी दूसरी कैंडल आप लोगों के लिए जलाई है, विद होप्स, विद पॉजिटिविटी. तो यस, आपको बहुत सारी चीजें ऑप्शन फर्स्ट अपनी लाइफ में से रिलीज करने की जरूरत है. ये मैसेज यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए आया है. अपना ख्याल रखने की जरूरत है आप लोगों को. आई डोंट नो आज क्या हो रहा है, वो कैंडल भी नहीं जलना चाह रही है. सो ऑप्शन फर्स्ट, आपको अपना बहुत सारा ध्यान रखने की जरूरत है, ये मैसेज यहाँ पर आया है. एंड एक वार्निंग भी यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए मिली है ऑप्शन फर्स्ट, वो ये कि कुछ भी गलत नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है ना. कुछ भी गलत करने के बारे में नहीं सोचना है. यस आई नो कि इस वक्त इमोशंस बहुत हाई है, यस आई नो कि इस वक्त बहुत कुछ आपके माइंड में चल रहा है, इस वक्त आप एक टफ फेज से गुजर रहे हो, लेकिन कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना कि जिससे सारी चीजें बिगड़ जाए. यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि सोच समझ कर करना है जो भी करना है अपनी लाइफ में, जोश में आके, तैश में आके कुछ भी नहीं करना.
अपना बहुत सारा यहाँ पर आप लोगों को ख्याल रखने की जरूरत है। और अगेन मैं ये बोलूंगी कि पॉजिटिव रहने की जरूरत है। आगे जब आप इस टाइम फ्रेम से निकलोगे, ये जो अभी एक जो चैप्टर आपकी लाइफ में चल रहा है, जब आप इस चैप्टर से निकलोगे, कहीं ना कहीं बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपका इंतजार कर रही हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें आपका वेट कर रही हैं। इस वक्त आपको खुद को संभालने की जरूरत है, इस वक्त आपको ऑप्शन फर्स्ट खुद को हील करने की जरूरत है। ये दोनों कार्ड अपने आप में बता रहे हैं प्यार के बारे में, पॉजिटिविटी के बारे में, पेशेंस के बारे में। आई नो, अगेन मैं वही बोलूंगी कि सिचुएशन डिफिकल्ट है, लेकिन आपको अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। देखो, अगर बहुत ज्यादा आप लोगों को नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर लिटरली ऐसे हैं जिन्हें मैं उसे नहीं कहना चाहती, लेकिन बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट, एक्सट्रीम पे नेगेटिव थॉट, अपने आप से कुछ लोगों को हेट हो रही है, और ये सब आप बहुत गलत कर रहे हो। एंजल्स आपको वार्निंग दे रहे हैं कि इस तरीके से नहीं रहना है। अगर आप कोई गलत डिसीजन ले रहे हो, गलत स्टेप ले रहे हो, उसे उसमें आपका ही नुकसान है, उसमें किसी और का नुकसान नहीं है, ठीक है ना। एक बार उन लोगों की तरफ जरूर देखना जो आपसे प्यार करते हैं, जिनके लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, जिनके लिए आप बहुत ही वैल्यूएबल हो। तो कुछ भी ऐसा वैसा यहाँ पर आप लोगों को ना सोचना है ना करना है, ये मैं आप लोगों को जरूर बोलूंगी। अब बाकी जो मैंने आपको रिलीजिंग अभी रिचुअल के बारे में बताया था, आप इसको जरूर करें, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर जो आप लोगों के लिए आई है, ये ऐसी एनर्जी है कि आप बहुत ज्यादा लिथार्जिक फील कर रहे हो, लाइक कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, कहीं भी दिल नहीं लग रहा। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है, एज लाइक आपका कोई दोस्त आपसे आके कहता है कि चलो आज पार्क में घूमने चलते हैं, तो आपको ये नहीं कहना नहीं नहीं मेरा मन नहीं है, मैं नहीं जाना चाहती या नहीं जाना चाहता, आपको जाना है, आपको घर से बाहर निकलना है। जो भी कुछ कुछ ऑफर्स आपके सामने आए कि चलो ये काम करके देखते हैं, चलो आज वहां चलते हैं, चलो आज वहां घूमने चलते हैं, चलो आज मूवी देखने चलते हैं, जाइए। ये चीज यहाँ पर कही जा रही है कि खुद को कुछ चीजों में इन्वॉल्व करिए, इंगेज करिए। अगर आप अकेले एक जगह बैठे रहोगे तो आप कुछ ना कुछ सोचते ही रहोगे, कुछ ना कुछ नेगेटिव ही सोचते रहोगे। तो अपने मन को यहाँ पर आपको डाइवर्ट करने की जरूरत है इस वक्त, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी आप लोगों के लिए, तो कुछ बातों को आप अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे, लाइक ऐसे कैसे हो गया, कुछ चीजों को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कह रही है कि चीजों को एक्सेप्ट करो, ठीक है ना, और कुछ लोगों को माफ करने की जरूरत है, कुछ लोगों को फॉरगिव करने की जरूरत है, और अपना आप लोग बहुत सारा ख्याल रखो। ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आप लोगों के लिए बता रही है कि अपने अराउंड हेल्दी बाउंड्रीज आप लोग जरूर रखिए, किन लोगों के साथ कितना इन्वॉल्व होना है, चेस करने की किसी को भी जरूरत नहीं है, अपनी एनर्जीज में रहिए, अपनी पावर में रहिए, और ओवर थिंकिंग आप लोगों को नहीं करनी है, ठीक है। इस चीज का आप लोग खास तौर पर ख्याल रखिए, ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, Awakening ancient wisdom deep in a knowing is emerging within me. Okay. Next है यहाँ पर making a difference. Okay. Stepping into stillness. Option first यहाँ पर कहा जा रहा है भाई आपके अंदर बहुत wisdom है, आप अगेन यहाँ पर देखा जाए वो ace of cups की energy है, आपके अंदर बहुत प्यार है, आप लोग बहुत ही यूनिक हो, आप लोग बहुत ही अलग हो। और यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट के ये बस कुछ समय की बात है, ये कुछ समय का अंधेरा है आपके जीवन में, इसके बाद प्यार भी आएगा, रोशनी भी आएगी, खुशियां भी आएंगी, बस कुछ समय आपको ये गुजारना पड़ेगा, बस ये इस वक्त थोड़ा सा पेन को बेयर करना पड़ेगा, थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, बट इसके बाद अगर मैं देखूं आप लोग जैसे अपने लाइफ पर्पस से मिलने वाले हो, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं देखो
लाइफ केवल हमारी उतनी नहीं होती कि एक अच्छा करियर हो, अच्छी जॉब हो, एक लव लाइफ हो, इसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीजें होती हैं। हमारा पर्पस होता है, हम कुछ करने इस दुनिया में आए होते हैं। तो आपकी लाइफ में भी ये जो समय आया है, ये आपका लाइफ चेंजिंग टाइम पीरियड रहने वाला है, एज वेल एज गोल्डन टाइम पीरियड। अभी आपको लग रहा होगा कि क्या गोल्डन है, क्या अच्छा है, क्या अच्छा आने वाला है, लेकिन एक वक्त के बाद ना आप इस टाइम पीरियड के लिए थैंकफुल रहोगे, बिकॉज ये टाइम पीरियड आपको कंप्लीटली चेंज कर देगा, आपको कंप्लीटली बदल देगा। आप बदल जाओगे यहाँ पर कहीं ना कहीं, और आपके अंदर की जो रोशनी है, आपके अंदर जो प्यार है, वो आपको तो बदलेगा ही बदलेगा, वो बहुत सारे दूसरे लोगों को भी इन्फ्लुएंस करेगा, दूसरे लोगों को भी बदलेगा। तो यहाँ पर ये हिम्मत रखने का समय है, ये यू नो आई डोंट नो, कुछ लोग ये रीडिंग को देखते देखते भी शायद बहुत इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन यस यू नो, मैं आपको ढेर सारा यू नो, मैं प्यार आप लोगों को भेज रही हूँ, मैं आपको ब्लेसिंग्स भेज रही हूँ। भगवान जी आपको हिम्मत दे, शक्ति दे कि यू नो, ये जो भी कुछ टाइम पीरियड आपकी लाइफ में चल रहा है, आप इससे आगे बढ़े, अपनी लाइफ में अपने पर्पस को ढूंढ पाए, आपकी लाइफ में मीनिंग्स ऐड हो, वैल्यूज ऐड हो। और यस, मैं आपके लिए जरूर और भी प्रेयर करूंगी ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन यस आपको अपना ख्याल जो है वो जरूर रखना पड़ेगा। बाकी यू नो, कुछ भी आपके दिल में है आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, मैं डेफिनेटली रीड करूंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस का कार्ड, और यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट की यू नो, अगर आप बहुत सारे लोगों से अपनी अपनी प्रॉब्लम यू नो जस्ट बार बार ही, जैसे कोई एक एक आपके साथ कोई भी इंसिडेंट हुआ और उसको आप बार बार ही दोहरा रहे हो, मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ ऐसे हुआ, सबको रिपीट कर कर रहे है ना, तो उससे वो प्रॉब्लम कम नहीं होगी। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अपने मन को शांत करो, थोड़ा सा यू नो शांत रहने का समय है। ये बहुत बहुत मूड स्विंग्स हो रहा है यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, और मैं एक ही चीज बोलूंगी कि सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, हिम्मत नहीं हारनी है, सब ठीक हो जाएगा। और मे भी कुछ लोगों का बिल्कुल भी मन ना लगे मेडिटेशन में, लेकिन आप लोग चाहो तो कुछ गाइडेड मेडिटेशंस ट्राई कर सकते हो, कुछ हीलिंग मेडिटेशंस ट्राई कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए कही जा रही है। और भी देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, डिनायल, आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद द इनसाइट ऑफ अवेयरनेस। वाओ, मतलब ये कितना ब्यूटीफुल कार्ड है ना। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैं जो भी मेरे अंदर फियर्स हैं, डर हैं, ठीक है ना, मैं उनको एक्नॉलेज करती हूँ, मैं उन्हें समझती हूँ कि मुझे इस चीज से डर लगता है, मुझे ये खोने से डर लगता है, मुझे ये हो जाने से डर लगता है, बट आई रिप्लेस इट विद द इनसाइट ऑफ अवेयरनेस। अब अवेयरनेस यहाँ पर क्या है कि ये बस आपके मन का एक डर है जो कि आपको इल्यूजन में डाल रहा है, जो कि आपको यू नो जस्ट एक सुकून आपकी लाइफ में नहीं आने दे रहा, आपकी लाइफ में पीस नहीं आने देना। और डर का यू नो डर को निकालने का एक सिंपल सा तरीका है कि उसका बस सामना कर लो, उसको फेस कर लो, वो खुद ब खुद निकल जाएगा, लेकिन उससे आप जितना भागोगे वो आपको उतना ही ज्यादा यू नो खौफ देगा। तो यस, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके जो भी फियर्स हैं या आपके मन में जो भी डाउट्स हैं, उनको अवेयरनेस के यू नो एनर्जी के साथ यहाँ पर आपको रिप्लेस करने की जरूरत है। डीप इनसाइड आपको सब कुछ पता है कि जो भी कुछ हुआ है आपके लिए अच्छा हुआ है, आपके भले के लिए हुआ है। तो बस यू नो, कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा दिल उस बात को यू नो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होता, या हमारा मन एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होता, तो उस चीज में टाइम लगेगा। ओके, ये चीज यहाँ पर है, तब तक के लिए आप वो चीजें करिए जो करने से आपको अच्छा लगता है, जो करने से आपको खुशी मिलती है। जो भी कुछ हो गया, डांस अच्छा लगता है, सिंगिंग अच्छी लगती है, कोई स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, जो भी कुछ अच्छा लगता है ना वो करो, ठीक है ना। एनवी, आई एम द सेम एज एवरीबडी बट द डिफरेंट चैलेंजेस। ओके, सो भाई यहाँ पर आपके अंदर अभी ना धीरे धीरे ऑप्शन फर्स्ट एक हिम्मत आ रही है कि लाइफ के जो भी कुछ नेगेटिविटी है, लाइफ में जो भी कुछ टॉक्सिक लोग हैं, लाइफ में जो भी कुछ कहते हैं ना एनर्जी वैम्पायर्स, जो आपकी एनर्जी सक कर लेते हैं, आपको डिप्रेशन में डालते हैं, आपको डिमोटिवेट कर देते हैं, ऐसे लोगों के साथ डील किस तरीके से करना है, कहीं ना कहीं आप लोग ये चीज को जो है वो समझ रहे हो, आप लोग चेंज हो रहे हो, आप लोग बदल रहे हो, आपका चीजों को देखने का नजरिया बदल रहा है, काम करने का तरीका बदल रहा है,
आप इस वक्त बहुत बड़े ऑप्शन फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, और गोल्डन टाइम पीरियड तो तभी आएगा ना, हीरे को भी यू नो हीरा बनने से पहले बहुत तराशा जाता है, सोने को भी तपाया जाता है, तभी वो यू नो वो ज्वेलरी में बन पाता है। तो वैसे यहाँ पर एनर्जी है। तो ये जो संघर्ष है आपकी लाइफ में, ये जो स्ट्रगल है, ये जो चैलेंज है, ये आपको तपाया जा रहा है, आपको निखारने के लिए। जब एक पत्थर को मूर्ति बनना होता है तो उसको भी तराशा जाता है, उसको भी बहुत सारी चोटें पहुंचाई जाती है। तो ये एक लाइफ का प्रोसेस है। ओके, यहाँ पर घबराना नहीं है, यहाँ पर टूटना नहीं है आप लोगों को, ठीक है ना। आप लोग चाहें तो क्लेयर क्वार्ट्ज और रोज क्वार्ट्ज को वेयर करें। सी, रोज क्वार्ट्ज आपने चूज करा है, सेल्फ लव का स्टोन है, आपको हील करने में हेल्प करेगा। एंड ये है क्लेयर क्वार्ट्ज, ये आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगा, ये मास्टर हीलर है और इस वक्त आपको हील होने की बहुत सारी जरूरत है। तो क्लेयर क्वार्ट्ज और रोज क्वार्ट्ज को आप लोग वेयर करें। अगर कोई एक वेयर करना चाहते हो तो क्लेयर क्वार्ट्ज को वेयर कर लेना, ठीक है ना। बाकी आप दोनों, आपको जो भी कोई अट्रैक्ट करे इन दोनों में से, आप वो वेयर कर लेना, ठीक है। लिंक मैं आपको इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वेबसाइट से डायरेक्टली परचेज कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर देखते हैं और भी कार्ड्स। पैरेट, लिसन इंटेंटली टू अंडरस्टैंड। देखो लाइफ में ना हर किसी का टाइम पीरियड जो है ना वो डिफरेंट होता है, जॉब लगने के, शादी होने के, कुछ कुछ चीजों के, कुछ कुछ जो भी कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो बेसिकली। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है कि दूसरों को देख के डिप्रेस्ड ना हो, दूसरों को देख के ऐसे ना सोचे हाय मेरे पास तो है नहीं, पता नहीं मेरे साथ कब होगा। तो ये एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। साथ में यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आप लोग चाहें तो भगवत गीता का पाठ करें। मुझे ये सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि भगवत गीता का पाठ आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज, लाइफ में सीखने का वक्त है, लाइफ में समझने का वक्त है। यू नो एक पैरेट को भी जब सिखाया जाता है ना तो वो भी लव्स यू नो वो भी वर्ड्स को बोलने लगता है, वो भी दूसरे लोगों के नाम लेने लगता है, वो भी बात करने लगता है, जबकि वो एक बर्ड है, राइट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सीखने से ही सब होगा, सुनना सीखो, समझना सीखो। अगर आप लोग स्टूडेंट्स हो अपनी स्टडी पे फोकस करो, नए नए स्किल्स को अडॉप्ट करो, सीखने की जरूरत है। और इस एनर्जी से बाहर निकलने की जरूरत है कि मुझसे नहीं होगा, आपसे ही होगा, है ना। आपको अपने ऊपर ऑप्शन फर्स्ट वो भरोसा लेकर आने की जरूरत है। नेक्स्ट यहाँ पे बी की एनर्जी, स्प्रेड हार्ट हीलिंग विद जॉय। तो अगेन यहाँ पर हीलिंग की बात करी जा रही है आप लोगों के लिए। और मुझे यहाँ पर ना वो बीस के साथ वो हनी वाली एनर्जी, वो मीठी मीठी एनर्जी, बेसिकली मेहनत का फल जरूर मिलेगा, ये मैं आप लोगों को बोलूंगी, ठीक है ना। और यू नो बीस की जो स्पिरिट होती है ना वो हमें ये भी सिखाती है कि यू नो एक बीस का, अगर हम इनकी बात करें, इनका लाइफ टाइम मुझे इतना ज्यादा नहीं पता, लेकिन यस 2.5 दिन या फिर से 3 दिन का लगभग होता है, और उसमें ये हनी कोई कलेक्ट करते रहते हैं फ्लावर्स से, ठीक है ना। तो और वो हनी कौन यूज करता है, दूसरे लोग यूज करते हैं, लेकिन वो इनका पर्पस होता है, ये अपने पर्पस से अलग नहीं हो सकते, ये इनका पर्पस होता है, ये खुद भी यूज कर रहे होते हैं उसको एज वेल एज फिर उसको बाद में दूसरे लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कुछ क्रिएट करने आए हो, कुछ देने आए हो इस दुनिया को, आप लोगों का पर्पस यही है कि आप लोग गिवर्स हो, तो देने आए हो इस दुनिया को कुछ ना कुछ, आपको मिलेगा। आपको जो मिलना है वो भगवान जी तय करेंगे, वो यूनिवर्स तय करेगा कि आपको कब मिलना है, क्या मिलना है, कैसे मिलना है, लेकिन आप देने आए हो तो आपको देने वाली यू नो एनर्जी। ऑफ कोर्स यू नो कभी कभी क्या होता है कि जो बहुत ज्यादा, जैसे जो लोग देने पे बिलीव करते हैं वो कभी कभी इतना ज्यादा हो जाते हैं कि वो रिसीविंग मोड में नहीं आ पाते, हालांकि वो आगे की बात है। लेकिन यहाँ पर आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है, ये आपके लिए एक मेन इस वक्त की जो एनर्जी है वो मेन एनर्जी आपके लिए यही है। और मैंने आपको क्रिस्टल्स बता दिए हैं, क्लियर क्वार्ट्ज आपको पॉजिटिव रखता है, ठीक है ना। तो चलिए अभी यहां से और देखते हैं, ऑप्शन फर्स्ट, प्रैक्टिस फ्रीडम, रिलीज द वेट ऑफ जजमेंट। तो यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है खुद को आजाद करो, ठीक है ना, कुछ ऐसे बंधनों से खुद को आजाद करो जिन्होंने, जिनमें आपने ना खुद को एक तरफा बांध रखा है।
तो यहाँ पर कहा जा रहा है, पहली चीज तो ये, दूसरी चीज लोगों को जज नहीं करना है कि उसने ऐसे क्यों करा, उसने ये डिसीजन क्यों लिया। जजमेंट अपने मन से निकालना है, बिकॉज यू नो हर किसी की लाइफ है, अलग अलग सोल जर्नी है, अलग अलग लेसन लेने हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस लेने हैं। कभी कभी हम सही गलत के यू नो वो जो एक स्केल होता है उसमें हम नहीं रख सकते लोगों को, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि हर किसी की लाइफ जर्नी अलग है, राइट? तो जजमेंट वाली जो एनर्जी है ना, उसको अपने दिल से निकाल के फ्री करो खुद को। लोगों ने जो करा तो उनको उनके हाल पर छोड़ दो, ठीक है ना? ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। सो एक और कार्ड देख लेते हैं यहाँ से। लेट गो ऑफ द पास्ट, ओके, इट इज टाइम टू एनविजन ए न्यू स्टोरी। तो भाई एक नया चैप्टर आप लोगों की लाइफ का शुरू हो रहा है, एक नई कहानी लिखी जा रही है। अगर अपने पास्ट को लेट गो नहीं करोगे तो नई यू नो एक न्यू बिगनिंग्स का अपनी लाइफ में वेलकम कैसे करोगे? तो ये न्यू बिगनिंग्स का वेलकम करने का टाइम है। पास से बाहर निकले, लेट गो करें, और यस दैट्स हाउ ये टाइम पीरियड आपके लिए आपका गोल्डन टाइम पीरियड साबित होगा। यही मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है। आपको लेट गो करना है, आपको आगे बढ़ना है, और ये समय आपको पूरा बदल के रख देगा। ये अवेकनिंग का टाइम पीरियड है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड है। सो लास्ट, ओ माय गॉड, फॉरगिव, माफ कर दो। और मैंने अभी यहाँ पर यही मैसेज दिया था कि इसने ऐसे करा, इसने वैसे करा, यू नो वो सबकी स्टोरी अलग है, सबकी थॉट प्रोसेस अलग है। मैंने कहा ना, हम हर किसी को सही गलत के यू नो स्केल पे रख के नहीं समझ सकते या नहीं जज कर सकते। तो यहाँ पर फॉरगिव कर दो, यहाँ पर माफ कर दो, जाने दो। अब फॉरगिव कर दो इसलिए बिकॉज आपके लिए जरूरी है, तभी तो यू नो आप आगे बढ़ पाओगे अपनी लाइफ में, ठीक है? सो ऑप्शन फर्स्ट, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रीडिंग रही है ये आप लोगों के लिए। और यस, मैं फिर से बोल रही हूँ कि मैं आपके लिए प्रेयर करूंगी, और बाकी आप लोग खुश रहिए, ठीक है ना? और यस, रीडिंग को लाइक जरूर करते हैं। आप लोग को अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज कर सकते हो, www.healofthe7 7.com। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, हालांकि पर्सनल रीडिंग यू नो हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने थॉर्न्स का कार्ड चूज किया है साथ में लैब्राडोराइट के स्टोन को, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए रेस्ट ऑफ 2024 की किस तरीके की एनर्जीज हैं, क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, और कैसे इस टाइम पीरियड को आप अपना गोल्डन टाइम पीरियड बना सकते हो, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर शफल कर लेते हैं कार्ड आप लोगों के लिए, एंड देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ आने वाला है आपके लिए। तो मन ही मन आप लोग डिवाइन से, भगवान जी से, जिस भी रूप में आप ईश्वर को मानते हो, उनसे पूरे दिल से प्रेयर करना कि वो आप लोगों को गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। अभी फिलहाल मुझे यहाँ पर जो आपके लिए एनर्जीज फील हो रही है ना, लाइक आपका मन कर रहा है आप जैसे अपने घर को, अपने घर का रिनोवेशन कराओ, अपने रूम का डिकोर करो, यू नो अपने आसपास कुछ कुछ चीजें जैसे सजाने का, संवारने का, अच्छी अच्छी ड्रेसेस लेने का, कुछ अच्छी फ्रेग्रेंसेस लेने का, ऐसे आपको बहुत एक कंफर्टेबल एनवायरमेंट, यू नो यहाँ पर जैसे रोज पेटल्स हैं, आप इन सारी चीजों की तरफ बहुत ज्यादा जैसे इंक्लाइन हो रहे हो, ये चीज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ही मेहनती हो, बहुत ही हार्ड वर्किंग हो, और काफी सारे छोटे छोटे स्टेप्स अपनी लाइफ में ले रहे हो, और ये वो स्टेप्स हैं जिनसे आपको खुशियां मिल रही हैं आपकी लाइफ में। देखते हैं यहाँ पर कैसी एनर्जी है। टू ऑफ कप्स, जजमेंट, आपकी लव लाइफ को लेकर भाई कुछ तो होने वाला है यहाँ पर, कोई तो नए डिसीजंस हैं, कुछ तो नए फैसले हैं, कुछ तो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कुछ तो यहाँ पर पॉजिटिविटी है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रीयूनियन है, रिकंसलेशन है, उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है। और मैं आपको बता दूं, अगर ये कोई न्यू पर्सन का वेट कर रहे हो, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, ये पर्सन बहुत ज्यादा एक बोल्ड एनर्जीज में होंगे कहीं ना कहीं, यू नो अच्छा इनका करियर सेटल होगा, काफी हैंडसम, काफी स्मार्ट, काफी गुड लुकिंग ये कहीं ना कहीं होंगे, और आप दोनों जैसे एक दूसरे के काउंटर पार्ट होंगे। कहीं ना कहीं एक सोलमेट वाली एनर्जी है, जिस जिस एनर्जी में आप हो, जिस वाइब्रेशन में आप हो, आप वैसे ही पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट भी कर रहे हो। और अगर ये कोई पास से पर्सन है आपकी लाइफ में, तो
कुछ लोग के साथ हो सकता है मे बी आप काफी टाइम से कुछ कुछ चीजें चल रही हो. एग्जैक्टली मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि सेपरेशन में थे, लेकिन चीजें क्लियर नहीं हो पा रही थी, है ना. लेकिन अभी यहाँ पर मैं आपके लिए एक कमिटमेंट देख रही हूँ, ठीक है ना. ये चीज मुझे आप लोगों के लिए नजर आ रही है, और एक हीलिंग है यहाँ पर. स्पिरिचुअलिटी में आप लोग जा रहे हो, अपने एक नई लाइफ की शुरुआत आप लोग कहीं ना कहीं कर रहे हो. ये सारी चीजें मुझे यहाँ पर आपके लिए फील हो रही हैं. बहुत सारी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हो यहाँ पर. कुछ लोग मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं अपने लिए, और करियर में ऑफ कोर्स यहाँ पर करियर में भी कुछ कुछ अच्छा हो रहा है. मुझे काफी सारी पॉजिटिव चीजें आप लोगों की लाइफ में होते हुए नजर आ रही हैं. कुछ लोग यहाँ पर कोई ट्रिप भी प्लान कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, किसी रिलीजियस प्लेस पे आप लोग कहीं ना कहीं जा रहे हो. ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है. बट साथ में यहाँ पर फोर ऑफ कप्स की भी एनर्जी है. आपका ना यहाँ पर बदलाव का मन करेगा बहुत ज्यादा. ऑप्शन टू, आपको सेम रूटीन पे आप काम नहीं कर सकते, आप सेम पैटर्न पे काम नहीं कर सकते. आपको कुछ कुछ चेंजेस चाहिए, आपको कुछ कुछ चीजें चेंज करनी है. अपना अपनी जैसे वर्क प्लेस पे भी आपकी टेबल है, आप उसकी सेटिंग चेंज करते रहोगे, अपने फोन का वॉलपेपर बार बार बदलते रहोगे. मतलब आपको नयापन चाहिए कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में. आप इस एनर्जी के साथ कहीं ना कहीं डील कर रहे हो फिलहाल में. ये चीज मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर दिख रही है, नजर आ रही है. और कुछ लोग यहाँ पर अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, अपने लुक्स के ऊपर काफी कुछ काम कर रहे हैं. अपना हेयर कलर चेंज करवा रहे हैं, अपना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहे हो आप लोग. हाँ, कुछ लोग वेट लॉस कर रहे हैं, वेट गेन कर रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हो. तो ये सारी चीजें मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं आप लोगों के लिए. हाँ, कुछ लोग जैसे बॉयज भी अगर इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो अपना जिम वगैरह कर रहे हैं, है ना. तो ये चीज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नजर आ रही है, और मुझे बहुत अच्छी एनर्जी इसमें आप लोग नजर आ रहे हो. एस ऑफ वॉन्स. तो अभी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कैसे आप इस टाइम पीरियड को अपना गोल्डन टाइम पीरियड बना सकते हो, ठीक है. सो यहाँ पे फर्स्ट है एस ऑफ वॉन्स, देन द हर्मिट, थ्री ऑफ वॉन्स, एट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स. ओके, तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोग के लिए ये मिल रहा है. पास्ट को मुड़ मुड़ कर नहीं देखना भाई. जो चीज खत्म हो गई, जहां से आप आगे बढ़ गए, वहां से आप आगे बढ़ जाओ. आपको ना तो किसी को स्टॉक करने की जरूरत है, ना किसी के बारे में खबर रखने की जरूरत है. यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो, सिंपली केवल अपने ऊपर ध्यान दो और अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहो. आप लोग की जो एनर्जीज है ना, थोड़ी सी ड्रीमी एनर्जी है. आप लोग जैसे फ्यूचर के बारे में कभी बहुत ज्यादा सोच रहे हो, कभी पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो. तो यहाँ पर आपसे बस क्या कहा जा रहा है कि अपने आज में रहो. नहीं तो होगा क्या कि हुआ कुछ भी नहीं है, लेकिन बस सोच सोच के ही खुद को परेशान कर लिया, नेगेटिव हो गए, परेशान हो गए, है ना. ये चीज मुझे आपके लिए दिख रही है. साथ में जैसे मैंने कहा कि ये जो आपके लिए समय है, ये स्पिरिचुअलिटी में जाने का है. आपको थोड़ा सा अपनी मटेरियल लाइफ और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज दोनों ही चीजें ना अपने पीक पे चल रही हैं. स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत आप तेजी से आगे बढ़ रहे हो. अब बात करूं अगर मैं आपके मटेरियल वर्ल्ड की, तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ में भी कुछ कुछ चल रहा है, आपके करियर में भी कुछ कुछ चल रहा है. तो ओवरऑल बहुत सारा काम आप लोगों के पास रहेगा, और आपको उस एनर्जी को बैलेंस करके रखना है, उस एनर्जी को मेंटेन करके रखना है. ये चीज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है. यहाँ पर एस ऑफ वॉन्स की एनर्जी है, और एस ऑफ वॉन्स किस चीज के बारे में बात करता है कि अगर आप लोग के पास कोई न्यू आइडिया है, किसी नए माइंडसेट के साथ आप लोग काम करना चाहते हो, कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, कोई नई शुरुआत करना चाहते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है. लाइक 2025 शुरू होने के पहले पहले अगर आपको कोई भी स्टार्ट करना है, कुछ भी करना है, तो वो आप एक अच्छे जैसे मुहूर्त वगैरह निकलवाते हैं ना, वैसे टाइम पीरियड पे स्टार्ट कर लो, बिकॉज ये फिर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना. और वैसे भी 2024 सैटर्न का ईयर है, रिजल्ट देगा ही देगा मेहनत करोगे तो, राइट. तो वो एनर्जीज यहाँ पर आप लोग के लिए आ रही हैं. साथ में यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी, और हर्मिट की एनर्जी क्या बता रही है कि देखो, कुछ लोग ना यहाँ पर बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो रहे हैं. मैं ऐसे ही बोलूंगी, देखो ठीक है ना, मैं हमेशा शुगर कोटिंग नहीं कर सकती.
मैं क्लियर कट ही चीजों को बोलती हूँ, तो यहाँ पर क्या है, कुछ लोग ना मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, बहुत सारी डिमांड्स आप लोगों की बढ़ रही हैं, विच इज नॉट रॉन्ग, ठीक है ना, गलत नहीं है ना, लेकिन चीजें जो है वो बैलेंस में रह के होनी चाहिए। ये यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी बता रही है कि तुम्हें ये चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए, क्या चाहिए, किस लिए चाहिए, क्यों, मतलब उसके पीछे क्यों आपको पता होना चाहिए। मुझे ये नया फोन चाहिए, मुझे ये महंगा फोन चाहिए, मुझे क्यों चाहिए, क्या मेरे को अपना पर्पस इससे फुलफिल करना है, ये आपको अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए। बस ये चीज जो है वो यहाँ पर कही जा रही है कि अगर आपको पता है कि आप कुछ भी कर रहे हो तो वो क्यों कर रहे हो, किस इंटेंशन से कर रहे हो, तो फिर से ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं पता या फिर से आपको केवल कुछ शो करना है, किसी को कुछ दिखाना है, किसी को कुछ प्रूफ करना है, अगर आप इसलिए कर रहे हो तो फिर आपको रुक जाना है, ठीक है ना, ये चीज यहाँ पर आप लोग के लिए है। साथ में यहाँ पर कुछ 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 डिफिकल्टीज भी रहेंगे, एट द सेम टाइम आपको ऐसा लगेगा आपके काम नहीं बन पा रहे, आप जैसे चीजें चाह रहे हो वैसे डिले हो रही हैं, कहीं कोई बुरी नजर तो नहीं है, कहीं कुछ नेगेटिविटी तो नहीं है, तो बहुत सारे लोगों को ये भी फील हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट करके रखना है, डिवाइन लाइट से खुद को भर के रखना है, ये चीज जो है वो यहाँ पर आपके आपके लिए है। लाइक अगर आपको कोई भी हीलिंग की मोडालिटी आती है, खुद को उससे प्रोटेक्ट करके रखें, खुद को उससे सेफ करके रखें, ये चीज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। साथ में थ्री ऑफ वांड्स की जो एनर्जी है यहाँ पर ग्रोथ के बारे में बता रही है, एक्सपेंशन के बारे में बता रही है, ये कह रही है कि अब आगे बढ़ने का समय है। लाइक सपोज आप किसी जॉब में थे तो वहां पर आपको जितना मिलना था आपको मिल गया, अब आपको नई जॉब तलाशने की जरूरत है, या फिर से प्रमोशन के लिए आप क्या कर सकते हो, तो एक लेवल अप करने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है, ये चीजों के ऊपर जो है वो आप लोगों को ध्यान देना है। एंड एट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कुछ डिजायर से मूव ऑन करो, कुछ चीजों में, कुछ पास्ट की चीजों में जिनमें आप उलझे पड़े हो, जिनसे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेट गो करो, ठीक है ना, कुछ चीजों से आप लोगों को सिंपली ऑप्शन टू, बस इतना कहा जा रहा है कि आगे बढ़ने की जरूरत है, अपने आसपास वाले लोगों को माफ करने की जरूरत है। कभी कभी क्या होता है ना कि सपोज हमारे कोई करीबी पर्सन है, उन्होंने हमसे कुछ कह दिया एक बारी और वो बात को हमने अपने मन में रख लिया, तो वो बात ना हमें बार बार ही परेशान करती रहेगी, तो या तो आप उनसे क्लियर कर लो, ठीक है ना, वो सबसे बेटर है, या फिर से उस चीज को निकाल दो अपने मन में से, मन में अपनी बातें नहीं रखनी है, बेसिकली मन में वो ग्रजेस नहीं रखने आप लोगों को, ये यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं और भी कार्ड्स आपके लिए, कैसे टाइम पीरियड आपके लिए बेस्ट रह सकता है। लेटिंग गो सी, मैं लेट गो के बारे में ही बात कर रही थी, एंड लेटिंग गो का कार्ड यहाँ पर आ गया, आई सरेंडर जॉयसली टू दी इबिंग एंड फ्लोइंग ऑफ लाइफ। तो लाइफ में जैसे फ्लो आपको ले जा रहा है, जैसे जैसे चीजें आपके सामने आ रही हैं, जैसे जैसे ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, आपको उनको अप्रिशिएट करना है, आपको उनको एक्सेप्ट करना है, और पास्ट की जो भी चीजें हैं उनको जाने दो, कहीं अगर आपको अपनी लाइफ में पहुंचना है ना तो कहीं से आगे बढ़ना पड़ेगा, अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है तो उसके लिए स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीजों को लेट गो करना पड़ेगा। आपने एक फ्रेज सुना होगा बहुत बारी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो अब ये फ्रेज कहाँ से आया, स्पेस क्रिएट करने की एनर्जी से, कि अगर लाइफ में कुछ चाहिए तो उसके लिए स्पेस भी तो लाना पड़ेगा ना, राइट। तो ये चीज जो है वो यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है, कल्टीवेटिंग प्रोस्पैरिटी। तो भाई प्रोस्पैरिटी का टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए, जितनी मेहनत करोगे ना उतना आपको रिजल्ट मिलेंगे, और बल्कि उससे ज्यादा ही मिलेंगे, अबंडेंस आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आ रही है, चीजें पॉजिटिव आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं हो रही हैं, कुछ बड़ी परचेज यहाँ पर कुछ लोग अपने लिए कर रहे हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं आप लोगों के लिए होते हुए देख रही हूँ ऑप्शन टू, बशर्ते आपको बहुत ज्यादा, बस चीजें आपने ले ली आप खुश रहिए, लेकिन लगाव नहीं लगाना है बहुत ज्यादा, अटैच नहीं होना है बहुत ज्यादा, ये चीजें यहाँ पर कही जा रही है, बिकॉज आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो तो आपको वहां भी कनेक्टेड रहना है, अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी प्रैक्टिकलिटी, अपनी इस मटेरियल लाइफ को, एक वो बैलेंस होता है ना वो मुझे यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि वो बैलेंस बनाने की जरूरत है आप लोगों को, ठीक है। बाकी ये भी दिख रहा है कि अभी तक जो भी आपने मेहनत करी आपको उसके भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं, फॉलोइंग योर ब्लिस,
माई सोल सिंग्स विथ जॉय। ऑप्शन टू, यू नो मैं कितना बोलूँ, आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी आ रही है। लाइक ऑप्शन फर्स्ट की रीडिंग बहुत हैवी थी, मुझे ब्रेक लेना पड़ा रीडिंग के बाद में, और आप लोग की बहुत लाइट एनर्जीज हैं, ऐसे सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ जैसे होना चाहिए वैसे हो रहा है, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है। बस यू नो आपको अपने मन को ठीक रखने की जरूरत है। ये मन जो होता है ना हमारे, हमें किसी ना किसी चीज में उलझाए रखता है, ये हमें प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहने देता। तो अपनी ब्लिस को फॉलो करो, जो चीज़ें पॉजिटिव हैं उनके ऊपर फोकस करो, उनके लिए खुश रहो अपनी लाइफ में। ये यहाँ पर कही जा रही है, सन की एनर्जी है, मून की एनर्जी है, इमोशनली बैलेंस हो रहे हो कहीं ना कहीं आप लोग। मेडिटेशन करो, और कुछ अच्छे यूट्यूब पे ना मेडिटेशन म्यूजिक्स है जो पर्टिकुलर हर्ट्स फ्रिक्वेंसी के हैं, 432, 532, 963, आप उन म्यूजिक को सुन के खुद को हील करें। आई डोंट नो, 714 हर्ट्ज स्पेशली आपके लिए बताया जा रहा है, 714 या 741 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी म्यूजिक करके आप डालना यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा। सो आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप हीलिंग कर रहे हो, आप वो म्यूजिक के साथ करो, ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर है। या कुछ लोग चाहें यहाँ पर तो फ्लूट म्यूजिक भी सुन सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर है। चलिए अभी और देखते हैं यहाँ पर, ऑप्शन टू, गिल्ट, आई रिलीज एनी बिलीव्स दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माय सोल्स ग्रोथ। ओके, तो यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग गिल्ट की एनर्जी से भी डील कर रहे हो, मेरे से ये गलती हो गई, मुझसे ऐसे क्यों हो गया। अगर आपके अंदर कुछ है कि आपसे गलती हो गई, आप सिंपली जाओ और माफी मांग लो। अगर ऐसा नहीं कर सकते, अपनी आंखें बंद करो, उस सोल को इमेजिन करो वो आपके सामने है, और फिर आप उससे माफी मांगो। और आप लोग चाहो तो हो पोनो पोनो प्रेयर भी कर सकते हो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। लेकिन किसी भी तरीके का गिल्ट है ना आपके मन में, तो अब आपको इसको निकालने की जरूरत है, बिकॉज आपके सोल की ग्रोथ में ना अब ये आगे आड़े आएगा। तो गिल्ट की एनर्जी से यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन टू कि आप लोग बाहर निकलें और ब्लेसिंग्स को, ब्लिस को, प्रॉस्पेरिटी को एक्सपीरियंस करें। कुछ लोग के लिए ये भी मैसेज है कि गिल्ट को लेट गो करो। सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। सो अगर आप किसी भी वे में यू नो लोगों की हेल्प कर सकते हो, ठीक है ना, तो वो आपने करनी है। आप कोई भी अपना सेवा भाव से कुछ भी करना चाहते हो, लोगों की हेल्प करना चाहते हो, निडी लोगों की मदद करना चाहते हो, तो वो चीज़ें जो है यहाँ पर आपको करनी है अपनी लाइफ में। आपको रोड साइड कोई भी परेशान इंसान दिखे, कोई भी भूखा हुआ इंसान, यू नो उसको थोड़ा सा फूड डोनेट कर दो, मैं डोनेट वर्ड नहीं बोलूँगी, उसकी हेल्प कर दो, ठीक है ना। तो बस सर्विस में रहना है यहाँ पर, और अपने अंदर वो अहंकार भाव लेकर नहीं आ रहा कि ये मैं कर रही हूँ या ये मैं कर रहा हूँ। बस ऐसे सोचना है कि भगवान जी करवा रहे हैं, उन्होंने इतना दिया है, तो मैं सेवा भाव से ये कर रहा हूँ। तो सेवा भाव से आपने चीजें करनी है, अनकंडीशनल वे में करनी है, सेल्फलेस होके करनी है, और जब आप ये करोगे तो बहुत सारी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आएंगी, और आपको और अच्छा लगेगा, ठीक है ना, ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। चलिए अभी और भी देखते हैं यहाँ पर, ऑप्शन टू, सो नेक्स्ट है यहाँ पर, ईगल सीज अपॉर्चुनिटीज करेजियसली। बहुत कुछ होने वाला है भाई आपके लिए, लिटरली ये टाइम पीरियड गोल्डन टाइम पीरियड है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, बहुत कुछ कुछ यू नो आपकी लाइफ में एड ऑन हो रहा है, प्रॉस्पेरिटी है, ब्लिस है। एंड यहाँ पर अगर देखो बॉटम ऑफ द डेक ना बैलेंस की एनर्जी थी, मैंने तब ध्यान नहीं दिया, और मैंने यहाँ पर बैलेंस की ही बात करी है आप लोगों से मेनली। तो बैलेंस अपनी लाइफ में आपको रखना है भाई, आप जो भी कुछ कर रहे हो, ठीक है ना। साथ में यहाँ पे ईगल की एनर्जी क्या बता रही है कि आई अपॉर्चुनिटी को आपको अपने हाथ से जाने नहीं देना है, समय रहते अवेल करना है, डिले नहीं करना है, आलस में नहीं रहना है कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अदरवाइज से आप फिर किसी मौके को खो सकते हो। कोई मौका आया, आपको दिखा और उसको तुरंत ग्रैब कर लिया, ऐसी ईगल की एनर्जी होती है, एक बार ही अपना शिकार चुन ले तो फिर उसको जाने नहीं देती, ठीक है ना। तो ये मैसेज आपके लिए। दूसरे यहाँ पे मंकी स्पिरिट है, एक्सपीरियंस ऑल दैट लाइफ हैज टू ऑफर। तो देखो लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलेंगे आपको, सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, अच्छे लोग भी मिलेंगे, कुछ कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे, है ना। तो लाइफ में जो भी चीजें उनको एक्सेप्ट करो, बिकॉज जिंदगी इसी का नाम है,
है ना। हमेशा सब कुछ तो एकदम मन के से अकॉर्डिंग नहीं हो सकता, हमेशा सब कुछ तो पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो ये सुख दुख धूप छाँव यू नो ये जिंदगी में चलता रहता है, इसको एक्सेप्ट करना है आप लोगों को और खुद को मजबूत बनाना है। कभी कभी क्या होता है कि ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है कि मुझे कोई परेशान इंसान दिखता है, कहीं मैं बाहर जा रही हूँ या कुछ भी, तो उनको देख के मेरा मन दुखी हो जाता है बहुत ज्यादा। लेकिन जस्ट ये भी पता है कि चीजों को एक्सेप्ट करना होता है हमें। अगर किसी और की पर्सन की लाइफ में कोई दुख है तो मे बी वो उसका कुछ ना कुछ कार्मिक है, कभी ना कभी उससे कुछ गलतियां हो सकती हैं, उसकी वो लर्निंग है, उसके वो लेसन्स है। बाकी हम जितनी हेल्प कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए, राइट। तो यस, चीजों को एक्सेप्ट करके लेट गो करना सीखिए यहाँ पर, ऑप्शन टू। ये यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं ऑप्शन टू और क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए और क्या मैसेज है। प्रैक्टिस फ्रीडम, माय गॉड, ये वाला कार्ड ऑप्शन फर्स्ट में भी था। आप लोग चाहें तो ऑप्शन फर्स्ट की रीडिंग देख सकते हो, इन केस अगर आप लोग बहुत ज्यादा टफ टाइम पीरियड से गुजर रहे हो तो, बिकॉज वो उन्हीं लोगों से रीडिंग रेजोनेट करेगी कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है आप लोगों से, ऑप्शन टू के खुद को फ्री करें चीजों से, फ्रीडम का भाव यहाँ पर अपने अंदर लेकर आए, खुद को आजाद करें, फ्री विल से अपनी लाइफ में जो है वो काम करें। अगर आपके मन में जजमेंट है लोगों को लेकर, आप थोड़ा सा ऐसी एनर्जी में, उसने ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया, उसने ऐसे कहा था, उसने वैसे कहा था, ये सारी चीजें कोई काम में नहीं आने वाली है आपके। इन सारी चीजों को रिलीज करो अपनी लाइफ में। अगर आपके आसपास के कुछ लोग हैं वो एक दूसरे के बारे में कुछ कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, लाइक उनसे दूर हो जाओ, उनसे अलग हट जाओ। आपको इन चीजों में पार्टिसिपेट नहीं करना, बिकॉज आपका पर्पस जो है वो बड़ा है, आपको कहीं बहुत आगे जाना है, आपको कहीं बहुत दूर जाना है। तो ये छोटी छोटी चीजें ना आपके ऑब्स्टेकल्स बनेंगी, आपके हर्डल्स बनेंगी, तो इनसे यहाँ पर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ये मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पर है। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी ये वर्ड मुझे आप लोगों के लिए बार बार ही सुनाई दे रहा है ऑप्शन टू। जितना आप अपनी लाइफ में क्रिएटिव हो सकते हो, अपने काम को क्रिएटिवली कर सकते हो, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो क्रिएटिविटी को अपनी लाइफ में ऐड करें, बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ वॉन्स की भी एनर्जी थी, थ्री ऑफ वॉन्स की भी एनर्जी थी, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्स भी है। तो करियर में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है एंड ऑफ कोर्स आपकी लव लाइफ में भी, कुछ लोग के लिए कमिटमेंट भी है, ठीक है ना। इट इज नेवर ट्रूली दी एंड। यहाँ पर ना वाइस वर्सा एनर्जी चल रही है। कुछ चीजों को वेलकम कर रहे हो तो कुछ चीजों को बाय बाय भी कर रहे हो, अलविदा भी कर रहे हो, गुड बाय भी कर रहे हो, है ना। तो वो चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कुछ लोग यहाँ पर कहीं और शिफ्ट भी कर सकते हैं, अपनी आपकी सिटी शिफ्ट हो रही है, आप लोग अब्रॉड ट्रेवल कर रहे हो, आप लोग कहीं और मूव कर रहे हो, आपका घर चेंज हो रहा है, आपकी जॉब चेंज हो रही है, गुड बाय सेरेमनीज भी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ऑफ कोर्स जो भी कुछ हो रहा है आपकी ग्रोथ के लिए हो रहा है, लेकिन यस कुछ कुछ चीजें थोड़ी सी आपके लिए टफ हो सकती हैं इस टाइम पीरियड में, लेकिन अगेन सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है। ऑप्शन टू, आपको परेशान नहीं होना है, आपको खुश रहना है अपनी लाइफ में। आप लोग चाहें तो ग्रीन एवेंचुरिन को जरूर वेयर करना। ग्रीन एवेंचुरिन किसका क्रिस्टल है? पॉजिटिविटी का, हार्ट चक्रा का। वो आपके लक को आपके फेवर में लेकर आता है, वो लकी स्टोन कहा जाता है। तो ग्रीन एवेंचुरिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप नए एडवेंचर्स चाह रहे हो, नई जॉब चाह रहे हो, नया बिजनेस चाह रहे हो, तो वो आपको उस चीज में हेल्प करेगा। बाकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से परचेज कर सकते हो अपने लिए, ओके। बाकी कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कुछ चीजों का एंड हो गया, हम कभी नहीं मिलेंगे, अब कभी कुछ नहीं होगा, बट मे बी यूनिवर्स की नजरों में आपके लिए कुछ और प्लानिंग है, यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ और सोच रखा है। तो गो विद दी फ्लो की एनर्जी में रहो, अभी जो चीजें आपके सामने आ रही है उनको एक्सपीरियंस करो, खुश रहो वहां पर, बाकी आगे कुछ और होना है आपकी लाइफ में, ठीक है ना। ये मैसेज भी साथ में मिल रहा है। तो अभी यहाँ से मैं लास्ट देख लेती हूँ आप लोगों के लिए, फिर इस रीडिंग को एंड करेंगे। ऑप्शन टू, टावर, अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर ए स्पेल। तो देखो यहाँ पर क्या है ना, बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं चल रही हैं,
आप जब भी अपना कोई भी इम्पोर्टेंट वर्क करने जा रहे हो, आपकी सपोज कल कोई अच्छी मीटिंग होने वाली है, आप मेक श्योर कि आप अच्छे से रिलैक्स करें एक दिन पहले, आपका स्लीपिंग आवर्स जो है वो बैलेंस्ड हो, आप अच्छे से डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, आप प्राणायाम करो, बेसिकली खुद को रिलैक्स भी करना है। ये नहीं एकदम हपड़ तपड़ की एनर्जी में कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, खुद को रिलैक्स भी देना है, अपने माइंड को भी रिलैक्स देना है एज वेल एज। तो ये चीज़ जो वो यहाँ पर कही जा रही है, अगर इस तरीके से काम करोगे तो फिर आपका दिन, आपका जो भी कुछ चीजें हैं वो और ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगी और ज्यादा अच्छे वे में अनफोल्ड होंगी, ठीक है ना। सो ऑप्शन टू ये है आप लोगों की रीडिंग, और मुझे जरूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी। बाकी यस, इस रीडिंग को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो वेबसाइट से कर सकते हो, लिंक आपको मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।